So, guys, कुछ इस तरीके का होता है आपका जो सुविधा काटने से, मतलब आज कैसा लग रहा है कॉफी? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लगते हैं मैं अभी हवा में उड़ जाऊंगा। What he did? क्या है? यहाँ पे मिलता है रेड ब्लू। गुड मॉर्निंग पीपल, सो आज हम लोग जा रहे हैं नेपाल। नेपाल जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? नेपाल। नेपाल जाएंगे। नेपाल गोको अमीरु आजू अंत नेपाली जाना, सब फैमिली जा रहे हैं, मजा आएगा गाइस, और दिखाएंगे आपको आपको वहाँ का नज़ारा और एक्सप्लोर करेंगे नेपाल। चलिए तब तक खाना भी पैक हो चुका है गाइस, अभी हम लोग रास्ते पे जाके खोलेंगे। कहीं भी छाव दिखेगा खाजा खाएंगे। चोटी कतरा सा छतरा सा चोटी चोटी है भी सर। So guys, हम लोग हो चुके हैं तैयार जाने के लिए नेपाल, और अभी हम लोग निकल रहे हैं, बहुत लेट हो चुके हैं। एनीवेज 7 बजे निकलने का प्लान था और ऑलरेडी आप देख सकते हैं 8 बज चुका है गाइस। 8:30 बज चुका है गाइस। सो निकलते हैं जल्दी जल्दी और मिलते हैं आपको फॉरेन कंट्री में। बाय बाय। तो गाइस अभी हम लोग जो है सुरखे हुए हैं हम लोग खाने का डेस्टिनेशन पे, और देख सकते हैं गाइस रोड में, रोड के साइड पे रुके हुए हैं, और यही है। ए छोटी वाला बाबू, छोटी पापा यहाँ पे मम्मी हेलो। नक्सलबाड़ी तो नहीं, मतलब नक्सलबाड़ी का रोड है ये, नक्सलबाड़ी रोड, यहाँ से जाता है सीधा नेपाल का बॉर्डर पहुँचेगा गाइस। सो पहुँच के बताएंगे आपको, पहुँच के दिखाएंगे। टिल देन लेट्स गो। सो वेलकम टू आवर गुरुंग रेस्टोरेंट, आई थिंक ऑलरेडी आप देख सकते हैं हम लोग रेस्टोरेंट में क्या क्या मिलता है गाइस। चाना मिलता है गाइस, यहाँ पे चाना मिलता है, मुरी, बहुत कुछ है यहाँ पे गाइस, स्टफी स्टफ। देखिए हम लोग का कस्टमर सब बहुत खुशी खाते हुए गाइस, इसको देखो ये रास्ता भी मिला था हम लोग को, और हम लोग ने इसको उठा के लाया। वेलकम टू गुरु रेस्टोरेंट, विजिट नक्सलबाड़ी का रोड का साइड में। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं मेची ब्रिज, जो आपका नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है, और आपको दिखाता हूँ मैं इसके आगे। ओह माय गॉड, इस साइड में। तो हम लोग अभी रुके हुए हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप लोगों का परमिट लेना पड़ता है, जो हम लोग मानसर कहते हैं, मानसर। सो वही है, कोबरे को वॉशरूम आया बहुत जोर से, मरने वाला है यार, बहुत मरने वाला है, ये बोल रहा है कि अब कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि बस है ना। सो वही है, तो हम लोग नेपाल पहुँच चुके हैं, नेपाल से एंट्री हुआ है गाइस, और ये मानसर काटना पड़ता है यहाँ पे। मानसर मतलब आपका जो इमिग्रेशन का जो परमिट है वो काटना पड़ता है। जस्ट अ क्वेश्चन गाइस, इट्स नॉट कॉल्ड मानसर, इट्स कॉल्ड वाउचर। या वाउचर, वाउचर इन नेपाली वी कॉल मानसर, तो इंग्लिश में अब वाला। और हम लोग मानसर नहीं काटने आए हैं, तो अगर आप नेपाल आ रहे हैं, अगर आप बहुत शॉर्ट डिस्टेंस आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे सुविधा काट सकते हैं, जो कि बहुत छोटी लाइन होती है। जो वाउचर के लिए आपको जो काटना पड़ता है वो बहुत लंबी लाइन होती है, आप देख सकते हैं, हम दिखाएंगे आपको थोड़ी देर पे। सुविधा आपका जब काम आता है, जब आप आज ही जा रहे हो तो आज ही रिटर्न आ रहे हो तब काम आता है, अगर आप स्टे कर रहे हो तो आपको बाहर काटना पड़ेगा। वेरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन गाइस, हमें पता नहीं था, हमें हाल ही में पता चला है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। और देखिएगा इस लाइन, देखिएगा इस लाइन, ये आप लोगों का इधर वाला जो है ये आपका सुविधा का है, और वो वाला जो लाइन है वो आपका बांसर का लाइन है गाइस। तो ये सो गाइस कुछ इस तरीके का होता है आपका जो सुविधा काटने से, मतलब आज जा रहे तो आज ही रिटर्न हो गया ना, तो इसके लिए ये काटना पड़ता है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसके लिए आपको चाहिए होगा सिर्फ RC और आपका लाइसेंस, उतना ही चाहिए गाइस इतने के लिए बस। ज़्यादा रुकना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर जो आते हैं यहाँ पे वो लोग स्टे ही करने आते हैं, सो उतना लाइन रहता नहीं है, क्योंकि
कंपेयर टू आपका ये जो भानसर का जो लाइन है यहाँ पे बहुत लाइन रहता है गाइस। सुविधा इज बेस्ट यू नो। कैसा लग रहा है कोबरी? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लगता है मैं अभी हवा पे उड़ जाऊंगा। कैसे तो गाइस इफ यू आर इमेजिनिंग व्हाट ही डिड, हक क्या आया है, हक क्या आया है, मैं पूरा बुरी थाली बुरी थाली मेरी खाएंगे। गाइस देखिए सेंडर फ्रूट सुना था आप लोगों ने, यहाँ पे आपको सेंडर फील्स मिलता है गाइस, इससे आपका जीप अटक जाएगा। सो एक्चुअली हम लोगों का काम हो चुका है गाइस, हम लोग आए थे यहाँ पे थोड़ा झाड़ फूक कराने और दिखाने के लिए क्या तला की भाषा ग्रह 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 सब है कि नहीं है, ग्रह शांति के लिए ऐसे कुछ के लिए आए थे। तो वही है, और ये देखो अभी खाना खा के बस हाथ धो रहा है गायकार। अब तो पूरा फुल हो गया, फुल हो गया। अभी बस अभी हम लोग को निकलना है थोड़ी देर बाद में, और आज इवेंट भी है, घर नहीं गाइस, आज इवेंट है इसका, तो घर तो जाएंगे ना, घर जाके फिर रेडी होके निकलेंगे ना, इसका इवेंट है तो मिस नहीं कर सकते, बहुत बात नहीं जाएंगे, थोड़ा लेट कर, थोड़ा प्रिपेयर ही करके बैठा हुआ है ये। चलो कोई ना गाइस, अभी हम लोग निकल रहे हैं, निकलेंगे नहीं, अभी थोड़ा देर में निकलेंगे, अभी थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग ऐसा गाँव में आए ना, सब बहुत मजा आता है गाइस गांव में, बहुत टाइम बताने से। यही है गाइस यहाँ का सीन, चलते हुए आते हुए कोप्स दूर से कोप्स। हमने आज चप्पल ले लिया, क्या बोलते हैं इसे, क्या कहता है बोल देना, कहते हैं पराल, जो कि धान का, जो कि उसको क्या करते हैं, धान का जो है ट्रैक्टर से इसको ना ऊपर में ला के धान, ए कहां दौड़ रहा है हां। तो आप लोगों का भाषा में इसको क्या कहते हैं गाइस, इसको नहीं नहीं इसको 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 ये की बनता है, तामुल बनता है, तामुल असम में तो इसको तामुल बोलता है गाइस, तामुल ही बनता है सब जगह, इंग्लिश में बीटल नट बनता है, इंग्लिश में बीटल नट, हां गाइस यही है। आप लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में, डू कमेंट डाउन बिलो। लो चलो, और ये जो विलेज है गांव में ऐसा गच्छी वगैरह बहुत ज्यादा दिखता है, ये वाला ये हो गया जो थोड़ी देर पहले भैया ने बताया ना, तामुल गच्छी बीटल नट गच्छी, तो ये तो अभी कच्चा है, इसको और थोड़ा बड़ा होना है, यहाँ पे इस जगह पे निकलेगा, एकदम टॉप में निकलता है, तो वहाँ पे क्या होता है ऐसा गोल गोल टाइप होता है, नट टाइप होता है, तो उसके अंदर उसको छीलना पड़ता है, काटना पड़ता है, बहुत क्या बोलते हैं टेस्टी होता है वो, जो खाते हैं उनको टेस्ट पता होता नशा भी, नशा इट्स काइंड ऑफ नशा टाइप ही होता है, अगर पान मिला के आप लोग खाएंगे, चूना मिला के आप डेढ़, फिर आप नहीं उठेंगे, फिर आप सीधा सुबह उठेंगे, फिर ये ज्यादा आसाम वेस्ट बंगाल इधर ही चलता है, ज्यादा तो आसाम में चलता है, ज्यादा तो आसाम में चलता है। सो गाइस अभी हम लोग एक्सप्लोरिंग नेपाल, एक्सप्लोरिंग नेपाल, हम लोग घूम रहे, पता नहीं कौन से जगह पे है, काकरी बित्ता में, वी आर इन काकरी बित्ता, काकरी बित्ता, हम लोग घूम रहे बाजार, काकरी बित्ता बाजार, और आप देख सकते हैं गाइस दिस इज द व्यू। सो गाइस यहां पे मिलता है रेड ब्लू, और तुमको एक पीने का मन है ना, हां मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूं रेड ब्लू वाला, पहले मैं रेड बुल पीता था, लेकिन अभी यहां नेपाल आके मैं रेड ब्लू पीने वाला हूं। ये देखो गाइस लाल नीला। सो गाइस हम लोग चटपटे एंजॉय करते हुए आप देख सकते हैं विद द रेड ब्लू, रेड ब्लू दिस चटपटे गाइस, लाल और नीला, सो वी कॉल इट चटपटे इन नेपाल, यू नो जो आप लोग इंडिया में क्या, इंडिया में क्या होता है, झालमुड़ी, झालमुड़ी कहता ना जो, वही है, दैट्स द सेम, नॉट द सेम बट थोड़ा सा मतलब थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा थोड़ा टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट है, पता नहीं क्या डालते लोग, पर यही है चटपटे। You can see guys the color as well. ऐसा कुछ है। So guys अभी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं नेपाल से, एक्चुअली हम लोग यहाँ काकरी बित्ता का बाजार में, जो आप लोग को उसका सिनेमैटिक शॉर्ट्स भी दिखाएंगे इसके बाद। सो या वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम, शाम को इवेंट भी है, सो हैव टू अटेंड। और कोबरे मज़ा आया?
मतलब मजा तो मतलब मजा तो क्या आएगा, वैसे घूमे तो नहीं, फिर भी ट्रिप जो था मजा आया। विलेज वाला प्लेस पे जाके लगता है अभी तक भी विलेज वाला वाइब है, थोड़ा पीस मिला वहां जाकर, मजा आया गाइस, मजा आया, मजा बहुत ही। डॉज रोबिन डॉज। नेपाल से और अब मेरा भाई का प्रोग्राम है आज, इवेंट, सो हम लोग वहीं जा रहे हैं। Are you excited? Yes, too excited. मजा आएगा आज, मजा आएगा। So, आपको वहाँ का भी सीन दिखाएंगे अभी। एक्सपेक्टेशन तो कुछ ज्यादा तो नहीं है वैसे भी, मतलब फिर भी ऑडियंस ही है। But still we will rock it. But still we will rock it, guys. We will. Oh no no no. We will rock it. Yeah. अभी इवेंट स्टार्ट हो चुका है तो रुका हुआ है, अब लोग रुके हुए हैं, माड़ू के लिए रुका हुआ है, माड़ू के लिए रुके हैं। माड़ू माड़ू कहाँ है, कब आएगा पता नहीं। हाँ सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर और भाई का इवेंट भी अच्छा किया आज। So, see you in the next vlog, in the next video. Till then, like, share and subscribe. Milte hain fir next vlog pe. Till then, peace out. Sayonara. Bye-bye. Ye khao. Blooper mein aayega guys ye. Ye kuch bolna chahta hai guys. Okay, this is the note. Enjoy.